हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस. स्वागत है आपका द हिंदू डेली एडिटोरियल एनालिसिस में. माय नेम इज़ नवीन यादव और आज है 2 अक्टूबर. चलिए डिस्कस करते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए. उसके अलावा ये भी हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से आर्टिकल आपके लिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है. देखिए, अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. अभी हमने सुबह भी डिस्कस किया था जो आईएल एंड एफसी के एफएस के अंदर जो क्राइसिस आए हैं, तो गवर्नमेंट ने कैसे टेक ओवर किया है, क्यों ये क्राइसिस आए, कैसे इसे बचा जा सकता है, वो सब चीज़ें यानी कि आगे के लिए हम देखेंगे. जो फ्यूचर के लिए भी है, जो एक तरह सजेशन दिए हैं इस एडिटोरियल में, ये हम देखेंगे. काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये. आर्टिकल ही देखेंगे पोल्यूशन से रिलेटेड. आपको पता है सर्दियों के अंदर स्मोक क्रिएट हो जाती है दिल्ली और आसपास के जो एरिया है उसके अंदर, तो क्यों स्मोक क्रिएट होती है, इसके खिलाफ इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है और भी क्या एक्शन लेने चाहिए गवर्नमेंट को, वो पूरा इसके डिटेल है, वो हम डिस्कस करेंगे. ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें. गांधी जी से रिलेटेड ये आर्टिकल है और आज आपको पता है गांधी जयंती, तो ये आर्टिकल आया है इसलिए, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कल भी एक गांधी जी का आर्टिकल आया था, वो भी हमने पढ़ा था, वो भी डिस्कस हमने किया था अच्छे से. और गांधी के ऊपर क्वेश्चन भी हर बार आता है यूपीएससी के पेपर फर्स्ट के अंदर और पेपर फोर्थ के अंदर, तो क्वेश्चन हर बार ही आना है, यानी कोई ऐसा चांस नहीं होता पेपर फोर में तो ना ही आए. गांधी जी के कोई ना कोई विचार के बारे में जरूर पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अच्छे से डिस्कस करेंगे. ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, सबरीमाला से रिलेटेड है. मैं आर्टिकल में बता देता हूँ कि आप बता रहे हैं. देखिए, सबरीमाला टेम्पल में अभी वीमेंस को अलाउड कर दिया. पहले 10 से 50 एज ग्रुप की जो वीमेंस थी वो अलाउड नहीं थी, लेकिन अभी उन्हें अलाउड कर दिया. तो उसके अभी ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सबरीमाला जो टेम्पल है यहाँ पे जगह बहुत कम है, यानी कि जो पिलग्रिम आते हैं या कोई भी जो यहाँ पे लोर्ड अयप्पा की जो पूजा अर्चना के लिए आते हैं, तो यहाँ पे जगह बहुत कम है. पहले क्या होता था, लोग यहाँ पे मैट वैट में सो जाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, यानी कि जगह कम है. तो अब बोल रहे हैं कि अगर अब विमेन भी आने लगेगी तो वहाँ पर कितना और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो जाएगी सरकार के लिए. पहले क्या होता था, कैसे भी लोग आ रहे हैं, सिर्फ मैन होते तो ज़्यादा इशू नहीं होता था, विमेन होती है तो बहुत और भी इशूज़ जो होंगे वो भी देखने की जरूरत है और उसको कैसे गवर्नमेंट डील करेगी, वो सब इसमें डिस्कस किया हुआ है. एग्जाम में ऐसा आर्टिकल नहीं पूछा जा सकता. ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, एलजेब्रा ऑफ डिसेंट. ये काफी अच्छा आर्टिकल है, 2-3 पॉइंट अच्छे हैं इसके, वो हम डिस्कस करेंगे बस. उसके अलावा तो सारे जजमेंट के बारे में बताया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना नहीं है. ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे. चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. सबसे पहला देखिए एडिटोरियल है रेस्क्यूइंग आईएल एंड एफएस. देखिए ये एक, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ. ये क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है. ये बोल सकते हैं इसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस, आईएल एंड एफएस. अब ये क्या होता है, ये इसका काम क्या है कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं 20-25 साल के, उनको ये फाइनेंस देती थी, पैसा देती थी उनके प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट. जैसे हमारा गिफ्ट सिटी के बारे में आप सुने हैं, गुजरात की बहुत बड़ी गिफ्ट सिटी है और इसके अंदर भी इसने पैसे लगाए हुए हैं, और जो जम्मू कश्मीर में टनल वगैरह है वहाँ भी इसने काफ़ी पैसा लगाया हुआ है. तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं 20 से 25 साल के, जैसे LIC है, वो छोटे प्रोजेक्ट्स को देती है, 10-12 साल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको लोन देती है. लेकिन ये क्या है, ये बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनको लोन देती थी. तो इसमें सिर्फ और काफ़ी कंपनियों का पैसा लगा हुआ है, HDFC का पैसा भी लगा हुआ है, LIC का पैसा भी लगा हुआ है, बाहर की दुबई वगैरह की जो कंपनीज है उनका भी पैसा लगा हुआ है इसके अंदर. तो अभी क्या प्रॉब्लम आई कि यहाँ पे अभी ये प्रोजेक्ट्स को पैसा तो दिए जा रही है, लेकिन इसकी खुद की औकात इतनी नहीं थी कि इतना पैसा दे सके. अभी और पैसा कहीं से, जब इसको किसी का कर्ज चुकाना था तो अब इसके पास पैसा बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है. तो उससे ही ये एकदम ये इशू हाईलाइट हुआ कि इसके पास ये इतना पैसा दे रही है, ये कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इतना पैसा दे रही है, अभी इनके पास पैसा क्यों नहीं है. तो एक तरह से पूरा यानी कि इसका सिस्टम गड़बड़ा गया और पूरा ये शेयर मार्केट भी इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई कि शेयर मार्केट को लगा कि ये बिल्कुल डूबने वाली है, और ये डूबने वाली है तो इसके कैस्केडिंग इफेक्ट ज्यादा होंगे. जैसे कि मैं ऑलरेडी मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने बताया है, जैसे लेमन ब्रदर क्रैश हुआ था 2008 में, तो उसके कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिले थे. एक बैंक क्रैश हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, तो बैक टू बैक फिर काफी हो जाते, तो फिर शेयर मार्केट फर्क पड़ता है. ये काफी कंपनियां इससे अटैच होती है, सब्सिडरीज होती है, वो भी इफेक्ट करती है. तो यानी कि पूरा एक बहुत बड़ा एक फर्क पड़ता है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाती है, लिक्विडिटी कमी आ जाती है, यानी कि बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं. तो इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने स्टेप लिया. गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे हम कोई भी कंपनी है उसको डूबने नहीं देंगे, जो इतनी इंपॉर्टेंट कंपनी है, जिसको एक तरह से RBI ने टैग भी दिया हुआ था, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस तरह का टैग भी दिया हुआ था RBI ने इस कंपनी को. तो सरकार ने बोला हम इसको डूबने नहीं देंगे. लेकिन ये बताते हैं कि देखिए, ये तो सरकार ने अच्छा मूव लिया है कि यहां जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनको रिप्लेस कर दिया है, उसके बाद
ये इंश्योर किया है कि देखिए जो इनको जितना पैसा चाहिएगा इतना अरेंज करेगी गवर्नमेंट, चाहे कहीं से करे, LIC से पैसा ले या जैसे भी ले, लेकिन इनको पैसा देगी। और ये बोल रहे हैं कि सेंटर सेंटर गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कट बोला है, कोई भी एम्बिगुअस सिचुएशन नहीं है, यानी कि बिल्कुल क्लियर कट बोला है कि मार्केट को हम ऐसे अलाउ नहीं करेंगे कि कोई कंपनी फेल हो जाए। अगर कोई कंपनी फेल हो रही है तो हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि क्यों फेल हुई, और उसको पैसा की जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे। ये बताते हैं कि अभी लास्ट वीक हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो गया था स्टॉक मार्केट के अंदर, इस कंपनी के डेप्ट देखने को मिला, तो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा एक तरह से हाहाकार मच गया कि, और एक दिन में स्टॉक्स आपको पता कितने गिरावट देखने को मिली थी, ये भी हमने डिस्कस किया था। ये इसके कारण और भी जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनमें भी बहुत गिरावट आई थी। ये बताते हैं कि ये बात ठीक है कि अभी जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है इस कंपनी का, उसको रिप्लेस करने की बात कर रही है गवर्नमेंट, जो इसके अफेयर्स हैं उसको मैनेज करने की बात कर रही है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा इशू है कि एक तरह से सेम जो लोग थे वही रेस्पॉन्सिबल है इसके अंदर। ये भी हमें चेक करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि सेम लोग ही रेस्पॉन्सिबल थे कि जो इस कंपनी का इतना मिसमैनेजमेंट हुआ और जो इसमें जो इसके ऊपर इतने चार्ज लग रहे हैं कि ये लोन देते रहे, ये नहीं देखा कि ये लोन हम आगे यानी कि जरूरत पड़ेगी तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे, यानी कि किसी ने भी लोन मांगा 20-25 साल के जो प्रोजेक्ट से उनको ये लोन देते रहे, आगे की मैनेजमेंट का इन्होंने प्लानिंग जो है फ्यूचर की नहीं ध्यान रखी, इस वजह से जो मैनेजमेंट आया, क्या इसके लिए कुछ लोग ही जिम्मेवार है या और लोग भी जिम्मेवार है इसके। इसके अलावा बताते हैं कि देखिए इसकी जो कमान है अभी जो उदय कोटक है उनको दे दिए, काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको फाइनेंशियल सेक्टर में। इसके अलावा जीसी चतुर्वेदी जो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इनके वो भी इनके नॉन यानी कि वो भी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किए हैं, जो ICICI बैंक के चेयरमैन रहे हैं। इसके बाद GN वाजपेयी, ये भी फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं सेबी के, LIC के, तो इनके हाथ में भी कमान दी है कि जल्द से जो प्रॉब्लम है शायद इसको सॉर्ट आउट किया जा सके। देखिए अब बताते हैं कि अब प्रॉब्लम, ये तो चीज़ें थी, ये प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ये प्रॉब्लम आने से पहले और जो RBI है या कोई भी स्टेक होल्डर है वो पहले क्यों नहीं जागे, यानी कि जब इतनी प्रॉब्लम आ गई तब क्यों नहीं जागे, ये सब इसमें डिस्कस किया है। ये बोलते हैं कि कंपनी को देखिए सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनी का टैग दे रखा था, जबकि कंपनी का इतना बुरा हाल है, इतनी मिस मैनेजमेंट चल रही है, तो इस तरह का टैग क्यों दिया। ये बात सच है कि इस कंपनी के पास 1,15,000 करोड़ के एसेट्स थे, लेकिन 91,000 की डेब्ट भी तो थी इसके ऊपर, जो कि बहुत यानी कि देखनी चाहिए थी सरकार को या RBI को। ये बताते हैं कि देखिए इंटरलिंकेज, ये मैं बता ही चुका, बहुत ज्यादा इंटरलिंकेज है काफी बैंकों से, म्यूचुअल फंड्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स हैं जो इसके साथ ये कनेक्ट है। अगर ये फेल होता है तो बहुत ज्यादा इसका इफेक्ट पड़ने वाला था और भी कंपनीज के ऊपर। ये बोल रहे कि प्रॉब्लम ये जरूर है कि अभी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, यहाँ पे देखिए कोई सोल्वेंसी की प्रॉब्लम नहीं है या फिर यहाँ पे करप्शन की प्रॉब्लम नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है कि मिसमैनेजमेंट की, कि इनके पास पैसा नहीं था फिर भी पैसा क्यों दिए जा रहे थे, कहाँ से यानी कि उधार ले लेके पैसा दिया जा रहे थे, तो ये बहुत जरूरी देखने की बात है। दूसरा ये बात है कि देखिए ये बात सच है कि 20 से 25 साल के प्रोजेक्ट्स को पैसा दे रहे थे जिसका पे बैक पीरियड बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, जिसको 20-25 साल के प्रोजेक्ट देते हैं, पैसा देते हैं तो सपोज कीजिए 30 साल बाद या 35 साल बाद ऐसा आएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर तो और भी प्रॉब्लम्स होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम के लिए गवर्नमेंट क्लियरेंस हो गया, एनवायरनमेंट क्लियरेंस होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई या केस वेस आ गया, बहुत से इश्यूज होते हैं, पैसा प्रॉपरली नहीं मिल रहा है टाइमली और काम अच्छे से नहीं हो रहा है, लेबर लॉज में प्रॉब्लम है, बहुत से इश्यूज आते हैं, तो इस वजह से जो 20-25 साल का प्रोजेक्ट है वो 30-35 साल तक भी चला जाता है। तो सोचिए एक एक कंपनी का 30-35 साल के लिए पैसा फंस गया तो कितना यानी कि मुश्किल होगा उसके लिए और जो कंपनीज है उनको फंड देने में। ठीक है, ये बताते हैं कि और जो छोटी कंपनी है LIC वगैरह वो 8-10 साल का ही लोन देती है, तो इसलिए उनको वो इजीली रिकवर भी कर पाती है। और देखिए ये बताते हैं कि, लेकिन ये बात है कि सेंटर और RBI ये जो है आज तक इस क्राइसिस को देख क्यों नहीं पा रही थी इतने। देखिए इतने क्राइसिस आते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है बाद में पता चलता है, नीरव मोदी का केस देख लीजिए, विजय माल्या केस देख लीजिए, यानी कि जब सब कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया, जब इतना डूब गया, उसके बाद ही सरकार क्यों जागती है या RBI क्यों जागता है, उससे पहले क्यों नहीं जागती, उससे पहले ये क्यों नहीं एनालाइज करती कि इसको सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट दिया गया है तो क्या वाकई ये इसके लायक है या नहीं, या फिर जो इसमें प्रॉब्लम है जो भी वो ध्यान क्यों नहीं दिया गवर्नमेंट ने, ये मेजर इशू है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये बताते हैं कि इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक हफ्ते पहले ही क्यों नहीं, एक हफ्ते दो हफ्ते पहले क्यों नहीं डील किया जब ये क्राइसिस दिखने लगे थे, अब बिल्कुल और ज्यादा क्राइसिस बढ़ गए तब जाके गवर्नमेंट ने इसको बोला कि हम टेक ओवर करते हैं। ये बोलते हैं कि सबसे बड़ा इशू है रेगुलेटरी इशू, जिसमें भी कुछ ना कुछ कमी रही है, RBI को वो चेक करना चाहिए। इसके अलावा ये अगर कोई लोग
कुछ ही लोग अगर इसमें शामिल है कि जिन्होंने मिसमैनेजमेंट किया, उनको भी यानी कि प्रॉपर उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये बोलने के आंसर निकालने बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम आ गई, गवर्नमेंट इसको चाहे सॉल्व भी कर लेगी, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों आई और आगे ना आए, इस चीज के लिए गवर्नमेंट को पूरे स्टेप्स उठाने चाहिए और आगे के लिए ये चीज से बचना चाहिए, राइट। चलिए, ये आर्टिकल टू है, देखिए एडिटोरियल टू, इसके अंदर ये रिलेटेड है जो आपको पता है फॉग आ जाती है, और फॉग के कारण क्या होता है कि पूरा दिल्ली में जो सर्दियों में इतना ज़्यादा डस्ट वस्ट के कारण जो फॉग क्रिएट हो जाती है, जिससे स्मोक बन जाती है, स्मोक के कारण क्या होता है इतनी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और ट्रैफिक कंजेशन बढ़ जाते हैं और एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। तो ये स्मोक की जो इशू है इसी से रिलेटेड ही आर्टिकल है। ये बोलते हैं कि देखिए विंटर सीजन आने वाला है और ऑनसेट स्टार्ट यानी कि स्टार्ट हो गया है विंटर सीजन, और जो टॉक्सिक एटमोस्फेयरिक पॉल्यूशन है नॉर्थ इंडिया में जिससे पूरा इशू क्रिएट होता है, इसको हम अभी देखेंगे। ये बताते हैं कि ये साल बहुत क्रूशियल टेस्ट है किसका, जो गवर्नमेंट है उसका, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम बोला था लास्ट ईयर कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि ये बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई है और सरकार क्या कर रही है, यानी कि काफ़ी फटकार लगाई थी। उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि इस प्रॉब्लम को हम डील करेंगे जल्द से जल्द और नेक्स्ट ईयर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। अब देखिए ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों होती है, एक तो रोड डस्ट, जो रोडों पे जो डस्ट होती है, उसके बाद जो व्हीकल से पोल्यूशन निकलता है वो, और तीसरा क्या होता है कि आसपास जो पैडी क्रॉप्स है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, तो वहाँ पे जो पैडी क्रॉप्स है उनको जला दिया जाता है। देखिए अभी ये खरीफ क्रॉप खत्म हो गया, खरीफ क्रॉप के बाद जब रबी रबी सीजन आएगा, रबी सीजन जैसे ही आएगा तो जो किसान विसान है वो जो कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द ये खरीफ क्रॉप की जो पैडी थी इसको जला के नई क्रॉप के लिए सोइल को तैयार कराया जाए। तो उस टाइम पीरियड के इश्यूज में जो वो स्टबल को बर्न करते हैं, यानी कि पैडी के जो बचा हुआ नीचे तना होता है उसको जला देते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे पोल्यूशन हो जाता है आसपास। और जब जैसी सर्दियाँ आती है तो कुछ हवाएं चलती है, हवाएं जो है उस पोल्यूशन को कहाँ पे ले आती है, दिल्ली के अंदर, ठीक है। और मॉइस्चर कहाँ से लेता है, यूपी और आसपास के एरिया से मॉइस्चर आ जाता है, तो यहाँ पे स्मोक क्रिएट हो जाती है, तो ये पूरा इशू होता है। तो देखिए गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि जो 20% जो स्मोक होती है वो किससे होती है, पैडी स्टबल से, पैडी स्टबल के बर्निंग से। तो अभी गवर्नमेंट ने कोशिश की कि ऐसे ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए जाए जिससे पैडी जो जलाई जाती है उसको ना जलाया जाए इन तीन मेजर स्टेट में, यूपी, हरियाणा और पंजाब। अब देखिए देखिए ये क्यों इतना गवर्नमेंट ने क्यों किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी जिसका नाम था, देखिए, एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, EPCA। और इसको ये था कि आप जाइए देखिए रिपोर्ट लाइए पंजाब, हरियाणा और यूपी की, कि क्या फार्मर्स के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने देखिए कुछ मशीन्स वगैरह की रिकमेंडेशन की कि इन मशीन्स को इंप्लीमेंट कीजिए जिससे कि जो पैडी क्रॉप है उसको जल्द से जल्द क्लियर किया जा सके, और जो उसका रेजिड्यू है जो बच जाता है उसको भी अनाज में, जो वीट की, जो अभी गेहूं के, अभी आपको पता रबी पीरियड आएगा तो गेहूं को उगाया जाएगा, गेहूं की फसल लगाई जाएगी, तो गेहूं के अंदर भी वो जो रेजिड्यू वो काम आ सके। और इसके लिए 50% सब्सिडी दी फार्मर्स को, 75% देखिए वीवर दिया, छूट दी किसको, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो यहाँ पे है जो इन इक्विपमेंट्स को रेंट पे ले सकती है और फार्मर्स की हेल्प कर सकती है। उसके अलावा जो ग्राम पंचायत है इनको भी मशीन बाय करने के लिए काफ़ी, यानी कि फार्मर का इंटरेस्ट के लिए इनको अलाउ किया गया, वीवर दिया गया। लेकिन ये बोल रहे हैं कि देखिए 650 करोड़ का इस तरह का स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला कि 650 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, आपकी हेल्प करेगी, फार्मर्स की हेल्प करेगी। अब देखिए कौन कौन सी मशीन से, याद रखिए ये लिखी जा सकती है आपकी अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो एक तो है हैप्पी सीडर, हैप्पी सीडर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हैप्पी सीडर है, पैडी स्ट्रॉ चॉपर और जीरो टिल ड्रिल, ये तीन तरह की मशीन है जो इस तरह काम आती है, जल्दी जल्दी ये पूरे पैडी क्रॉप के जो रेजिड्यू होता है, जो बचा हुआ स्टबल होता है उसको जल्दी से काट देती है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि देखिए ये कोशिश थी कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो प्रक्योर करेगी करीबन 24,000 मशीन्स, कब तक, 15 अक्टूबर तक, और जो भी पैडी क्रॉप है उसको काट लिया जाए। लेकिन अभी क्या हुआ है, देखिए एक और इशू इमर्ज हुआ है, इशू ये हुआ है कि लोगों की या फार्मर्स है उनके बीच में भ्रांति फैली हुई है कि इन मशीनों का अगर यूज करेंगे तो हमारी जो सोयल की प्रोडक्टिविटी है वो इफेक्ट करेगी, जो कि काफी गलत कंसर्न है। तो ये एडिटोरियल बोलता है कि देखिए जो छोटे फार्मर है 5 एकड़ से जिसकी लैंड कम है, तो वो बहुत ही शंका में, एक तरह से ससेप्टिबल है, उनको लगता है कि ये मशीन्स यूज करने से उनकी जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो उनको
एक यानी कि उनको समझाने की जरूरत है, उनके साथ डिस्कशन की जरूरत है। सिर्फ आप मशीन मशीन तो आप ले आए, मशीन आपने खरीद भी, लेकिन फार्मर उसको यूज नहीं कर रहे, तो उसका बेनिफिट क्या है? तो उनके बीच में जो शंकाएं हैं उनको खत्म करने की जरूरत है, एक प्रोएक्टिव एंगेजमेंट करने की जरूरत है उन लोगों के साथ, उनको समझाने की जरूरत है, उनको रीअश्योर करने की जरूरत है कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ये मशीन सही है। तो उनको समझाना जरूरी है, जो गलत भ्रांति फैल गई सबसे पहले उसको मिटाने की जरूरत है, राइट। इसके बाद ये बोलते हैं कि देखिए पहले क्या होता था और ये क्यों करते हैं ऐसा, ये स्टबल को क्यों जलाते हैं फार्मर्स, ये क्यों जलाते हैं? क्योंकि अगर उसको काटेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम के साथ साथ जो वर्किंग आवर लगेंगे, अगर उनको किसी और से भी कटवाते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इस तरह की मशीन लाई गई थी। ये बोल रहे कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, मशीन की अवेलेबिलिटी पूरी रहे, और टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस रखना पड़ेगा। इस तरह की पॉलिसी अपनाएंगे तभी प्रोग्रेस आगे देखने को मिल सकती है, और लोगों को समझा बुझाना भी पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा कि ये कोई खराब नहीं है चीज जो आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं इकोलॉजिकली ये जो है ये क्रॉप क्लियरिंग जो प्रोसेस है ये इकोलॉजिकली साउंड मैनर में इसको पूरा आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद बोलते हैं कि देखिए और ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें और सिर्फ स्टबल बर्निंग से कितना होता है, 20% तक ही प्रॉब्लम सोल्व हो पाएगी। अगर इसको हम पूरा इंप्लीमेंट कर लेते तो भी 20% ही प्रॉब्लम सोल्व होगी, क्योंकि स्टबल बर्निंग से जो स्मोक क्रिएट होती है वो 20% होती है, 80% और भी इश्यूज है, जैसे रोड डस्ट हो गया, पोल्यूशन, जो पोल्यूशन निकलता है व्हीकल से वो हो गया, या और भी जैसे पटाखे, दिवाली आएगी तो पटाखे वो इतना लोग जलाते हैं, उसके बाद व्हीकल से हो गए, बता ही दिया मैंने, बायोमास बर्निंग, आसपास के गाँव में जो गोबर जलाया जाता है, लकड़ी जलाई जाती है, उसके कारण भी इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है गवर्नमेंट को, सिर्फ आप एक चीज पे ध्यान नहीं दे सकते, स्टबल बर्निंग और भी जो इश्यूज है उन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और ब्रॉड बेस्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी तभी इस प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है, राइट। तो ये काफी अच्छा आर्टिकल था, ये पेपर 3 में काम आ सकता है आपके लिए। चलिए देखिए ये आर्टिकल है गांधी जी से रिलेटेड, इसमें 4-5 चीजें हैं वही मैं बता देता हूं। देखिए बताते हैं कि गांधी जी के जो पूरा जो लाइफ थी या जो उनकी थॉट्स था या प्रैक्टिस थी जो वो चलती थी, वो पूरी सत्य के ऊपर चलती थी, ट्रुथ के ऊपर, ट्रुथ के ऊपर ही उनका जो सत्याग्रह टिका था, स्वराज टिका था, अहिंसा, आश्रम, ब्रह्मचार्य, यज्ञ, याजना और चक्रा, खादी और इवन मोक्ष, ये सब उनका ट्रुथ ट्रुथ पे ही टिका था, यानी कि सच्चाई ही उनकी यानी कि एक बहुत बड़ा हथियार था जिसके तहत वो चलते थे। अब देखिए कल हमने पढ़ा था कि गांधी जी के जो व्यूज है वो दो चीज में डिवाइड है, एक तो उनको पॉलिटिकली यानी कि माना जाता है कि उन्होंने फ्रीडम दिलाने में वो की, दूसरा मानते हैं कि वो आश्रम के यानी कि एक तरह से उनको आध्यात्मिक रूप से देखा जाता है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो पूरा जो इनका फंडा था, पूरी लाइफ जो थी इनकी ट्रुथ पे ही बेस्ड थी। ये बोलते हैं कि आज भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें लगता है कि काश गांधी जी होते तो हम उनसे वो सॉल्यूशन ले लेते, या उनके जो आइडियाज हैं उनसे हमें सॉल्यूशन ले, आज भी हम कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके जो हमें लगता है कि प्रॉब्लम क्या होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, छोटी छोटी भी प्रॉब्लम होती है तो हमें ऐसे लगता है कि यार इसका क्या सॉल्यूशन होगा। तो गांधी जी की जो टीचिंग है या जो उनके जो उन्होंने बोला हुआ है या अपने जो लाइफ से उन्होंने बताया हुआ है, वो उन उन आइडियाज को आज भी हम फॉलो करते हैं, यानी कि कितने इंपॉर्टेंट आइडियाज है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बता रहे कि ट्रुथ का मतलब वो नहीं होता कि जो हम बोलते हैं, जो सच्चाई हम बोलते हैं वो ट्रुथ नहीं, जो अंतरात्मा से वो देखते थे कि उनके अंतरात्मा में क्या है, उनको क्या करना चाहिए, वो ट्रुथ वो मानते थे, और इसी ट्रुथ पे वो हमेशा उनकी लाइफ आगे बेस हुई है। ये देखिए काफी ऐसे केसेस हुए कि जब उन्होंने जब जो फ्रीडम मूवमेंट है वो पूरा पीक पे होता था तो वो उसके फ्रीडम मूवमेंट को वापस ले लेते थे, तो ये कहीं ना कहीं उनकी अंतरात्मा की आवाज होती थी। अब कुछ एग्जांपल देते हैं, देखिए काफी बार ऐसा हुआ कि जब उनके जो आइडियाज हैं वो एकदम लोगों को समझ नहीं आए, उनको नहीं लगता था कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया, जबकि उस समय चाहे जरूरी नहीं होता होगा, लेकिन इनकी अपनी अंतरात्मा जो ट्रुथ है, जो इसके इनके आत्मा में, अंतरात्मा में जो सोच थी, वो उसी हिसाब से आगे बढ़ते थे। जैसे कि कुछ ऐसा था कि पॉलिटिक्स से इन्होंने बोला मैं पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं करूंगा, काफ़ी लोगों को लगा कि यार पॉलिटिक्स में इतने बड़े नेता टाइप हैं और इतना ये इतने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, अगर ये पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो कितना बड़ा लॉस होगा। इन्होंने इस तरह के डिसीजन इनको लोगों को काफ़ी यानी कि एक तरह से आश्चर्यचकित कर देते थे, जैसे फास्ट अनटू डेथ करते थे, ये मर जब तक यानी कि इनका मानी नहीं जाएगी बात, चाहे मर जाएंगे लेकिन फास्ट करेंगे, इस तरह की चीजें, चाहे इनकी हेल्थ खराब हो। उसके बाद भी जैसे और भी केसेस थे, जैसे कि मान लो ब्रिटिशर्स को हेल्प करनी है वर्ल्ड वार के टाइम, ये डिसीजन बहुत लोगों को आश्चर्यचकित किया, ठीक है। इस तरह की इन्होंने बोल रहे कि बहुत से ऐसे थी कि जो कुछ इश्यूज हो सकते हो जो फैक्चुअली एरर हो या और लोगों की सोच से मैच ना करते हो या उस समय इंपॉर्टेंट हो, लेकिन उन्होंने नहीं लिए,
पर ये इनकी सोच जो है उनकी अंतरात्मा से निकलती थी, वही इनका ट्रूथ जो था पूरा उसी पे बेस होता था। ये बोल रहे कि बहुत बार जो इनके लॉयल थे जैसे जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल, वो भी इनको बहुत बार नहीं समझ पाए, और इन्होंने जो और भी लाइफ के कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्होंने कोशिश की, जैसे कि सेक्सुअल नेचर है उससे कैसे डील करेंगे, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, सेलिब्रेसी सिर्फ अपने लिए, अपनी वाइफ को भी इन्होंने बोला, आसपास के जो आश्रम में आश्रमाइट्स थे उनको भी फॉलो करने के लिए बोला, अपने बच्चों को भी फॉलो करने के लिए बोला। ये बोला कि बहुत से केस में जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल इनसे एग्री नहीं करते थे, लेकिन वो कोशिश करते थे कि उनको भी धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी थी। गांधी जी के जो डिसीजन है वो लॉन्गर पीरियड के लिए बहुत इंपैक्टफुल होते हैं, अभी शॉर्टर पीरियड का हम फायदा देखते हैं, अगर लॉन्गर पीरियड में हम देखें तो उसका बहुत बेनिफिट होता है, राइट। तो ये पूरा आर्टिकल था, ये आप लिख सकते हैं काफ़ी जगह। इसके अलावा ये लास्ट आर्टिकल है, ये देखिए एल्जेब्रा ऑफ डिसेंट, ये बोल रहे हैं कि काफ़ी जजमेंट आए, जैसे सबरीमाला टेम्पल का जजमेंट आया, आपको पता है 4-1 से जजमेंट आया, जो इंदु मल्होत्रा है उन्होंने जजमेंट में डिसेंट यानी कि उनका डिसेंट नोट था कि वो ये बोल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को एंटर नहीं करना चाहिए रिलीजियस प्रैक्टिस में, ये गलत होता है क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिस किसी बिलीफ पे टिकी होती है, अगर हम उसके अंदर रीजनिंग लगाएंगे एनालिसिस लगाएंगे तो वो बात ठीक नहीं है, लेकिन 4 जजेज ने अलग बोला। तो हम बात करेंगे इसकी, इसकी हमने कल भी इसकी की बात की थी। इसके अलावा बोलते हैं कि और भी जो अडल्ट्री से रिलेटेड है, अडल्ट्री से रिलेटेड तो या आधार से रिलेटेड है, आधार एक्ट का आपको पता है उसके रिलेटेड भी जस्टिस चंद्रचूड है, उन्होंने बोला कि नहीं आधार को जो है मैंडेटरी यानी कि कोई भी सर्विस में अलाउ नहीं करना चाहिए, उन्होंने अलग एक तरह से अपना जजमेंट दिया। तो इस आर्टिकल में यही बोलते हैं कि इस तरह के जो जजमेंट दिया जैसे इंदु मल्होत्रा या चंद्रचूड ने, एक तरह से डिसेंट नोट इनका रहा, यानी कि 3-4 लोगों ने कुछ और दिया, इन्होंने अलग अपना व्यू दिया। ये बोलना कि इनको अपने व्यू पे टिका रहना चाहिए, और ये जो व्यू है क्यों दिया इसको प्रॉपरली बताना चाहिए, यानी कि प्रॉपरली फ्रेम करके बताना चाहिए कि 4 जजेज ने ये दिया और एक जो डिसेंट नोट था ये इसलिए दिया गया, इस वजह से दिया गया, ये रीजनिंग थी। तो इससे क्या होता है कोई भी एम्बिग्युटी नहीं आती आने वाले टाइम में, राइट। इसके बाद ये कहते हैं कि अपने जो जो इन्होंने जजमेंट दिया इस पर टिका रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत से ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जब कोई भी डिसेंट जो नोट होता है या डिसेंट कोई भी यानी कि जो जिसकी सहमति नहीं होती किसी जजमेंट की, तो वो जजमेंट ही आखिर में जाके लॉ बन जाता है आने वाले टाइम में, क्योंकि इनकी जो इन्होंने जजमेंट दिया इसकी जो महत्वता है वो बाद में पता चलती है। तो ये बोल रहे हैं कि जज को उस पर टिका रहना चाहिए, उसकी वैल्यू करनी चाहिए, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो इसके तहत ही इसको भी लॉ बना दिया जाए, राइट। तो ये सब इस आर्टिकल में है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको क्या क्या बताया था, जजमेंट ज्यादा बताए हुए जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।